अध्यक्ष जी का विशेष रूप से मैं आभारी हूं कि मानसून सत्र को सकुशल संचालित करने और कई विधायी कार्यों को सकुशल संपन्न करने के साथ ही वर्ष 24-25 का पहला अनुपूरक बजट भी इस मानसून सत्र में आया है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष का वे वयोवृद्ध हैं, एक लंबा अनुभव विधायी कार्य का उनके सामने उनके पास है और अपनी सहजता और अपनी सरलता के कारण उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी अपने वक्तव्य में हमारे सामने दिए हैं। और वास्तव में ज्ञान वो नहीं होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ज्ञान वह होता है जो वास्तविक धरातल पर हम अपने व्यवहारिक जगत में देखते हैं। और इसलिए हमारे यहां हमेशा बुजुर्गों वयोवृद्धों को सम्मान दिया गया है और हमारे यहां तो ये मान्यता है कि जो वो सभा सभा नहीं होती है जहां कोई वयोवृद्ध ना हो, बुजुर्ग ना हो। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन भी करूंगा इन सुझावों के लिए और इसलिए मैं भी एक वयोवृद्ध को अपने साथ बिठा के रखता हूं करना चाहिए। आऊंगा वहां में थोड़े देर में। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड के बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या आवश्यकता थी, मैं केवल इस एक बात हमें विरासत में जैसा उत्तर प्रदेश मिला था और जैसा उत्तर प्रदेश आज है, हमने सदैव अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। और उत्तर प्रदेश के लिए जो स्वप्न बनाए गए थे उसको साकार करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास समय समय पर प्रारंभ हुए हैं उन्हें को साकार रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया। फरवरी में ही हमने अपना मूल बजट पारित करके अपना वित्तीय वर्ष अप्रैल में ही बजट की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया था। 24-25 का जो मूल बजट था, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी कहा और हमारे यहां माननीय नेतागण जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी ने, जनसत्ता पार्टी के श्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल निषाद राज पार्टी और सुहृदय राजभर पार्टी के हमारे जो सहयोगी हैं उन लोगों ने भी अपने वक्तव्य में जो बातें कही कि हमारा जो मूल बजट था वह 736,437.71 करोड़ रुपए का था, मांग के अनुरूप और प्रदेश के अंदर इस दौरान जो कार्य हुए, यद्यपि इस पूरे समय में ज्यादातर समय हमें आम चुनाव का सामने करने में ज्यादा समय खर्च हुआ, लेकिन फिर भी इस दौरान जो कार्य हो रहे थे, अन्य जो एक्टिविटीज चल रही थी उनके कारण हम लोगों ने लगभग अब तक विभिन्न विभागों में एवरेज 40% से अधिक रिलीज हुए हैं, 44% रिलीज हुए हैं और
इसमें से 20% से अधिक धर्म खर्च भी हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो यह बजट 15-16 की तुलना में दुगने से अधिक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम इन सब मुद्दों के बारे में नहीं सोचते, इस प्रकार के बजट के दायरे को नहीं बढ़ाते, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाते, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में और समाज के विभिन्न तबके के वंचितों के बारे में, दबे कुचले उन तबकों के बारे में, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के बारे में सरकार की कार्य योजना आगे नहीं बढ़ती, तो उत्तर प्रदेश के बजट के आयाम को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो पाते। हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाया और आज इसी का परिणाम है कि सफलतापूर्वक बजट इस माननीय सदन ने फरवरी में पास किया था। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ नए बजट पर कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया और आज जब हम अगस्त मास की प्रथम तिथि में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन पिछले 4 महीनों के अंदर, पहले 2 महीने चुनाव में व्यतीत हो गए, अन्य एक्टिविटीज में व्यतीत हुई, अगले 2 महीने मात्र कार्य करने के लिए मिले और उस दौरान जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम है कि 44% से अधिक बजट रिलीज हुआ है, 20% से अधिक अब तक खर्च हो चुका है और हमारा प्रयास है कि जितना भी पैसा है, जो आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बात का द्योतक है कि यह पैसा किसी स्थायी निर्माण में लग रहा है, कि रोजगार का सृजन भी करेगा और विकास की गति को भी तीव्र करेगा, उसी विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के सरकार के अभियान का वो हिस्सा है और पिछले 7 वर्ष में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसी का परिणाम है कि हम बजट के दायरे को दोगुना करने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो GDP थी, अगर हम इसे 2015-16 की तुलना में देखें तो ये दोगुने से अधिक बढ़ी है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय को देखें, पर कैपिटा इनकम को देखें, ये दोगुने से अधिक बढ़ी है। ये दिखाता है हमारी दिशा सही है, उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है और उसी सही दिशा को एक नई गति देने के लिए जो नए मत बनाए गए हैं उस मत में हम लोगों ने इस नए सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ी, जिसमें 12,209.93 करोड़ रुपए का इस सप्लीमेंट्री बजट हम लोगों को मानसून सत्र में लाना पड़ा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का यह बजट वर्ष 24-25 का लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी की दृष्टि से देश के अंदर अन्य राज्यों से हम तुलना करते हैं तो यह माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का मादा रखता है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आबादी हमारी सबसे ज्यादा है लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में हम देश के अंदर 6ठे-7वें स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप में से सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे और बाहर जाकर के इन बातों को अनुभव करते थे कि कैसी स्थिति है। पहचान का संकट होता था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने नहीं, किसी भी व्यक्ति के सामने उत्तर प्रदेश का है, देश उसे सम्मान की निगाह से देखता है, शक की निगाह से नहीं देखता है। एक सबसे बड़ा परिवर्तन आज ये हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपने इकोनॉमी को बढ़ाया है, आज हम देश की 7वीं नहीं बल्कि 2री बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 3 और 5 वर्ष का जो रोडमैप हम लोगों ने तैयार किया है
उस रोड मैप के साथ भी आज मैं सदन में इस सप्लीमेंट्री डिमांड के साथ बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो एक कार्य इस दौरान किया है, इसके परिणाम आज हमारे सामने आए हैं। और ये जो बजट है, ये बजट केवल एक बजट नहीं है, यह जो आकार बजट का बढ़ा है, दुगना, लगभग बजट दुगना हुआ है, यह लोक कल्याण के कार्यों में ये पैसा खर्च हुआ है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेहतरीन कार्य हुए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इन सब पर ये कार्य हुए हैं। और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। आज इसी का सीधा परिणाम है कि प्रदेश के अंदर रोजगार के नए सृजन हुए हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तमिलनाडु के त्रिशूर की चर्चा में कर रहा था कि जहां पे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 2,00,000 कार्मिक वहां काम करते थे, लेकिन आज उसमें से बड़ी संख्या वापस आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें, इसी प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है और वह आज उत्तर प्रदेश में आकर के इन सभी कार्यों के साथ यहां जुड़ रहा है, अपने प्रदेश में आकर के प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था में, नेशनल जीडीपी में भी अपने शेयर को बढ़ाने में सफल हुआ है। यानी पहले जो हमारी स्थिति थी कि हम 6 या 7% तक ही उत्तर प्रदेश, यानी आबादी हमारे पास जितनी थी लगभग 16 से 17%, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमारा कंट्रीब्यूशन देश के अंदर होता था वो 6 से 7% होता था। आज ये 9 से 10% तक पहुंच चुका है और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रोथ रेट है, जो विकास की दर है, अगर ये विकास की दर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी तो आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी आबादी के अनुसार देश की जो नेशनल जीडीपी है उसमें अपना योगदान देने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश आज देश के उन राज्यों में है जिन राज्यों ने अपने प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से अपने को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। हमारी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति हम राज्य के अंदर करने में सक्षम हैं और उन सब के माध्यम से हम लोग एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं, जिस पे आज हम इसी पे चर्चा भी करेंगे। इसके लिए हम लोगों को टैक्स चोरी के लिए प्रभावी उपाय करने पड़े, रेवेन्यू लीकेजेज के जो कहीं से ऐसी स्थिति थी उसके लिए प्रावधान करने पड़े और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं जो हम सब यहां पे देख रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है इसके माध्यम से जो उस ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने का कार्य किया है। प्रदेश की 196 योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से, 11 विभागों के माध्यम से 196 योजनाओं का 10,000 करोड़ रुपए की हम लोगों ने इसके माध्यम से बचत की है और 70,000 करोड़ रुपए 62,000 ट्रांजेक्शन के माध्यम से हम लोगों ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। ये डीबीटी कैसे एक गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था देने में सहायक होती है, यह डीबीटी उसका एक उदाहरण है। इस दौरान प्रदेश के अंदर रोजगार का जो सृजन हुआ है, रोजगार है, स्वतः रोजगार है, यह प्रदेश के अंदर बैंक के बिजनेस को ही बढ़ाने में सफल हुआ है। अगर 2016-17 में हम लोग प्रदेश के अंदर के सीडी रोशो को देखेंगे तो यह लगभग 44 से 46 के बीच में था, आज यही 60% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि रोजगार में यहां वृद्धि हुई है, लोगों को रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के अवसर यहां लोगों को प्राप्त हुए हैं और लोगों को इसमें बेहतरीन रूप से आगे इसके माध्यम से यहां पे अवसर प्राप्त हुए हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप अपनी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए आप अपना बजट बनाएंगे, कर्ज लेंगे, अगर एक सीमा के ऊपर ये जाता है तो आपको कोई भी नेशनल बैंक या रिजर्व बैंक आपको कर्ज के लिए अलाउ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रह रही है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी के बाद भी अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में देखेंगे तो एफआरबीएम की जो सीमा है 3.5 है, उत्तर प्रदेश 2.86 पर अपने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सफल हुई है। यह एक बेहतरीन स्थिति किसी भी राज्य के लिए हो सकती है और वह हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यहां पर इन कार्यों को किया है। प्रदेश के अंदर जो मैंने पहले भी कहा कि मूल बजट में एक बड़ी राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हम खर्च कर रहे हैं जो प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट की गति को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है और इन चीजों को एक नई गति देने में भी हम लोगों ने उसके माध्यम से सफलता प्राप्त की है। महोदय, हम इस बात को अक्सर इस बारे में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक नए भारत का दर्शन कराया है, एक नया भारत जो भारत की 140 करोड़ जनता की आकांक्षा का प्रतीक बना है। दुनिया के हर क्राइसिस मैनेजमेंट में लोग भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं और लोगों के मन में विश्वास है कि कहीं दुनिया के अंदर संकट आएगा, भारत इसमें सहयोगी की भूमिका में खड़ा होगा, हर संकटग्रस्त व्यक्ति के साथ खड़ा होगा। और भारत के अंदर 140 करोड़ जनता जनार्दन का जो विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर देखने को मिला है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। इसके लिए उन्होंने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए वे अत्यंत अभूतपूर्व है और इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है उससे भी और भारत की जो जीडीपी है उसमें भी हम जो बढ़ोतरी हुई है उसके माध्यम से इसको देख सकते हैं। पर कैपिटा इनकम देश के अंदर नेशनल एवरेज में अगर आप देखेंगे काफी वृद्धि हुई है। अगर हम लोग देश की अर्थव्यवस्था को ही देखेंगे तो जो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज वही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसके साथ ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं ये राज्यों के सहयोग से और तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का विजन है और उसके लिए भारत सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व तो बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सके और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उत्तर प्रदेश का यह बजट उसी की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसमें आपने देखा होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हम लोगों की एक रोड मैप तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरे सभी विभागों को, अन्य संबंधित सेक्टर को 10 सेक्टर में हमने विभाजित किया। हर एक सेक्टर में कोई हमारा एक वरिष्ठ मंत्री उस सेक्टर की निगरानी कर रहा है, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ, उस फील्ड से जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका सहयोग इसके लिए लिया जा रहा है और स्वयं सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मैं इसकी समीक्षा करता हूं और उसकी नियमित समीक्षा के साथ साथ
कौन से सेक्टर में कमी है, किस सेक्टर में कहां पे पुशअप करने की आवश्यकता है, उसके लिए उस प्रकार की कार्य योजना को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। इसमें जो 10 महत्वपूर्ण सेक्टर बनाए गए हैं, इन महत्वपूर्ण सेक्टर्स में हम लोगों ने जो अलग अलग कार्य योजना बनाई है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का, हाईवे का एक बेहतरीन जाल बिछ चुका है। हमारे पास पहले से यमुना एक्सप्रेसवे थी, जिस समय 17 में हम लोग आए थे तब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अपने बनने के अंतिम चरण की ओर थी। पिछले 7 वर्ष के अंदर हम लोगों ने कई एक्सप्रेसवे बनाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी और केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया, जिसमें दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये अपने यातायात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी को जोड़ने का, बुंदेलखंड को जोड़ने का एक माध्यम बना है, जो वहां की अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन बनकर के आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके बीजीएफ के लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में हम लोगों ने धनराशि की मांग भी की है। हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 में हम गंगा एक्सप्रेसवे को, उससे पहले मेन कैरिजवे को बना करके तैयार करें, और दिसंबर 2024 का हम लोगों ने टारगेट दिया है कि मेन कैरिजवे को आप इसको बना करके तैयार करिए, जिससे प्रयागराज कुंभ के दौरान इसका उपयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए और प्रयागराज को जोड़ने के लिए एक बेहतरीन माध्यम मिल सके, इस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही हम लोग चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर से फरुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नई एक्सप्रेसवे पर कार्य हमारा बहुत शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। सर्वे के कार्य पूरे हो चुके हैं, इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे जो एक्सप्रेसवे के पीछे की सरकार की मंशा है, उस एक्सप्रेसवे को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, जितने भी हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है, या नेपाल से जुड़े हुए मार्ग हों, बिहार से हों, झारखंड छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हों, मध्य प्रदेश या राजस्थान से जुड़े हुए हों, या फिर हरियाणा या उत्तराखंड या दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, और यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक तोरण द्वार स्वागत कर आगंतुकों का स्वागत करता हुआ दिखाई दे। अगर नेपाल की सीमा पर है तो राज्य नहीं, देश भारत नेपाल मैत्री द्वार उनका स्वागत करे, इसकी तैयारी, इस पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अगर बिहार या अन्य राज्यों के साथ में है तो उत्तर प्रदेश और राज्य की मैत्री द्वार के रूप में उसकी पहचान होगी, इस कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। 4 लेन की हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़े, तहसील मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़े, ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन के साथ हम जोड़ सकें, इस पर कार्य तेजी के साथ या तो पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे का निर्माण यहां पर बन रहा है, लखनऊ से कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है, और भी अन्य कार्य तेजी के साथ जहां यहां एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बने हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश ने एयर कनेक्टिविटी के लिए अब तक हमारे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं, और बहुत शीघ्र हम लोग 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को भी क्रियाशील करने जा रहे हैं। ये दुनिया का यानी एशिया का सबसे बड़े
इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में हम लोगों ने और भी अन्य तमाम कार्य प्रारंभ किए हैं, और मुझे लगता है कि यह मार्गों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वाटरवे का निर्माण भी, वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, लेकिन अयोध्या से हल्दिया के बीच में जोड़ने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने के लिए सर्वे के कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने वाटरवे अथॉरिटी का निर्माण राज्य के अंदर करते हुए जल मार्गों की संभावनाओं को भी गति देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने, नई तकनीक का इसमें उपयोग किया जा सके, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन FDR पद्धति का भी उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने इसको अपनाया था और 5,500 किलोमीटर के मार्ग इसके माध्यम से बने थे। इसमें सड़क की टिकाऊपन भी होता है, लेकिन उसकी लागत में 25% की गिरावट भी आती है, यानी लागत 25% कम होता है, लेकिन मार्ग किसी भी अन्य पद्धति से बनाए जाने वाले मार्ग की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होता है। यह कार्य हम लोगों ने यहां पर किया है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड में हम बीडा का निर्माण करने जा रहे हैं, और बीडा के लिए 36,000 एकड़ लैंड में ये बीडा का निर्माण हो रहा है। 46